नमस्कार आदाब, मैं फैज आलम और आप देख रहे हैं VOH 24 न्यूज़। अभी मैं मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड इठरवा गांव में हूं और इठरवा गांव इन दिनों काफ़ी चर्चे में है क्योंकि कुछ दिन पहले यहां एक ही परिवार के 4 बच्चे की मौत हो गई थी। तब से जो मौत हुई है उनके कारण गांव के लोग डरे भी हुए हैं। हालाँकि कोरोना के लक्षण उन बच्चों में नहीं थे, लेकिन फिर भी यानी कि कल एक दिन पहले इस मोहल्ले के सारे लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, लेकिन सारे लोग कोरोना टेस्ट में निगेटिव पाए गए। ये अच्छी खबर है। दूसरी चीज़ ये कि जो सबसे पहले 12 मई को एक 17 वर्ष का बच्चा मर जाता है, उसके बाद उसी परिवार के यानी कि उसी बच्चे के भाई और बहन को ये लक्षण दिखाई देने लगता है। अब मैं आपको बता दूं, जिनको लक्षण आया था वो ये था कि उनका जो शरीर था वो फूल जाता था, पांव हाथ फूल जाता था। उनका इलाज किया गया लेकिन 12 मई को उस बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद 3 और बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, 3 और बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ा और उसी तरह का लक्षण उन बच्चों में भी दिखाई दिया। बच्चों को दरभंगा के नर्सिंग होम में एडमिट किया गया। बच्चे की स्थिति में सुधार होने पर उनको फिर इस गांव में लाया गया, घर पे लाया गया, लेकिन उसके बाद फिर बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद बच्चों को DMCH में भर्ती किया जाता है। तो कुल मिलाकर DMCH में जो है 3 बच्चों की मौत हुई थी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी इस खबर को लेकर ट्वीट किया था। तो सवाल यह है कि इन बच्चों में जो लक्षण दिखाई दिए वो तो न तो कोरोना के लक्षण थे और न ही इस तरह का कोई सिम्टोम्स था जिससे ये पता चल सके कि बच्चों में कोरोना था। गाँव वाले जैसा कि बता रहे हैं कि जो जिस प्रकार का लक्षण था, पांव हाथ फूलना, वो एकदम से ठीक भी हो जाते थे, लेकिन आखिर क्या वजह है कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत बारी बारी से हो जाती है और सब में एक ही लक्षण दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज़, बच्चे के जो पिता हैं राम पुनीत यादव और उनकी पत्नी यानी बच्चे के माँ और पिता दोनों दरभंगा के एक निजी नर्सिंग होम में अभी भर्ती हैं और उनमें भी यही लक्षण देखा जा रहा है। उनका भी पांव हाथ फूल रहा है और यही सेम लक्षण जो बच्चों में था, अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर हैं एक भाई, हम इनसे बात करते हैं, ये पड़ोसी हैं। सबसे पहले तो नाम राजीव रंजन कुमार। अच्छा, तो क्या मामला, क्या हुआ था, सबसे पहले वो बताइए। जैसे कि वो बड़े लड़का चंदन कुमार का 12 तारीख को निधन हो गया। उनको भी हाथ पांव फूल रहा था, इसी तरह का लक्षण डॉक्टर से दिखाया गया था, लेकिन सुधार होता भी था फिर गड़बड़ा जाता था। किसी तरह दिखाने के बाद 12 तारीख को दम तोड़ दिया। उसके बाद उनका भी इलाज दरभंगा से चल रहा था। दरभंगा से चलने के बाद इन लोग ज़्यादा स्थिति ख़राब हुआ, देखे फिर DMCH ले गए। DMCH में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण 24 घंटा के अंदर 3 बच्चे ने दम तोड़ दिया। अच्छा, DMCH में कितने दिन से इलाज चल रहा था? लगभग 5 दिन से चल रहा है। 5 दिन से, उसके बाद जो है 24 घंटे के अंतराल पे तीनों बच्चे की मौत हो जाती है। जी जी जी। अच्छा। डॉक्टर की घोर लापरवाही के कारण वहाँ मौत हो रही है। जब पहले बच्चा मरा फिर दूसरा मरा, डॉक्टर को हम लोग काफ़ी मशक्कत किए लेकिन सुनने का नाम नहीं ले रहे थे। अच्छा, तो बच्चे के माँ और पिता की क्या हालत? माँ और पिता भी अभी निजी नर्सिंग होम में है। कहाँ भर्ती हैं वो लोग? प्राइवेट हॉस्पिटल में है। अच्छा, हाँ। क्या उनमें भी वही बच्चों वाला ही जो सिम्टोम्स? पैर हाथ फूलना सेम लक्षण है और उनका सुधार हो रहा है। अच्छा, आप पड़ोसी हैं यहाँ गांव में? इनके पड़ोसी हैं। अच्छा, तो क्या मतलब क्या लगता है आपको ऐसे इस तरह की जो घटना हुई है, आखिर क्या कारण हो सकता है? कोरोना टेस्ट क्या है तो सब लोगों का? कोरोना टेस्ट सभी का तो निगेटिव आया है। जो बच्चे मरे थे उनका टेस्ट कोरोना टेस्ट क्या? कोरोना टेस्ट उनका किया गया था। अच्छा। ठीक है, लेकिन कोई कोरोना टेस्ट में उनको पॉजिटिव नहीं आया। अच्छा। इस वजह से हम लोग मान रहे हैं जो कोरोना नहीं है। अच्छा। ठीक है, बाकी गांव में माहौल में बहुत घबराया हुआ है। अच्छा, गांव में इसको लेकर काफ़ी लोग घबराए हुए हैं जी। आस पड़ोस के गांव भी है, बगल के गांव वाले लोग भी बहुत घबराए हुए हैं। तो क्या इस गांव में इस तरह क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ था? नहीं, अभी इससे पहले इस तरह का घटना कभी नहीं हुआ था हमारे गांव में। पहली घटना है और आखिरी घटना भी है। आखिरी घटना जी। अच्छा, तो गांव में जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका आप बता रहे थे कोरोना टेस्ट हुआ? हाँ, सभी आदमी को हम लोग ने
कुछ युवा संगठन मिलकर सभी आदमी उनको कोरोना टेस्ट करवाए हैं, आस पड़ोस के इनके टोटल परिवार के आदमी को हम अपना भी करवाए हैं, लेकिन कोई नहीं निगेटिव आया, सब ठीक है। तो उनके जो उनका जो घर है, बच्चों का जो चार बच्चे मरे हैं, उनके घर पे अभी कौन कौन लोग हैं क्या परिवार के लोग? उनके घर पे चार है, उनके चाचा है, दो चाचा है, राम पुनीत यादव के दो भाई है, बड़े भाई राम सुफल यादव और छोटे भाई राम आशीष यादव, दोनों उन्हीं को वहाँ गए हुए भेंट करने अभी निकले हैं, हम लोग भेजे हैं, गए हैं, पैसा वैसा भी लेके गए। जो बच्चों के माँ पिता का जो इलाज चल रहा है, हाँ, उनका लोग की तरफ से जो है सहयोग किया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है, पूरे ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना इनको, यानी गांव में एक तरफ डर भी है लोगों में, और कल ही जो है सभी लोगों का जो है से कोरोना टेस्ट हुआ है, गाँव के लोग जो हैं काफ़ी डरे हुए हैं, लेकिन कोरोना टेस्ट में सारे लोग निगेटिव हैं, और इस तरह का जो मामला है वो गांव में पहली बार देखा गया, जिस तरह का बच्चों में लक्षण था, एक के बाद एक बच्चे दम तोड़ते हुए चले गए। बच्चों के अंदर जो लक्षण था वो चारों बच्चों के अंदर एक ही तरह का लक्षण देखा गया, और सबसे पहले बच्चे की मौत 12 मई को हुई थी, उसके बाद एक उसी परिवार के तीन और बच्चों की मौत बारी बारी से हो गई।